हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कुछ आइडिया हो रहा है आपको मैं कहाँ पर खड़े हूँ? वेल, मैं अभी हूँ अपने बाथरूम एरिया में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जापनीज़ बाथरूम कैसे होते हैं और उनकी कितनी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जी हाँ, बहुत मेहनत का काम है, स्पेशली समर्स में, क्योंकि समर्स में बारिश बहुत होती है यहाँ पे। और बारिश होने की वजह से हम ज़्यादातर जैसे अपनी खिड़कियाँ वगैरह खोलते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है, मोल्ड यानी कि वो जो हरा हरा सा हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, काई जैसा जम जाता है, वो चीज़ें लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं यहाँ के बाथरूम्स में। तो इसलिए वेंटिलेशन, हवा पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड एवरी डे की मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं अपने बाथरूम के, आज का दिन था कि मेरे को सफाई करनी थी अपने बाथरूम की, बड़ी बुरी हालत हो रखी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि किस तरह से मैं अपना बाथरूम क्लीन करती हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा बाथरूम अभी किस कंडीशन में है और क्या क्या कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो एक छोटा सा टूर भी दे देती हूँ अपने बाथरूम का आपको, कि जापनीज बाथरूम किस तरीके के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो घर में एंटर करते ही सबसे पहला ये राइट साइड में हमारा वॉशरूम एरिया आ जाता है, वॉशरूम एंड बेसिन एरिया। तो एंटर करते ही यहाँ पे ये है मेरा वॉश बेसिन एरिया, और इसी के साथ में है ये वॉशिंग मशीन रैक, सब कुछ फैला हुआ है। मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया कि क्लीन करके बड़ा सुंदर सा करके आपको दिखाऊंगी, नहीं, जैसा है वैसे ही दिखा रही हूँ अभी। और ये है मेन शावर एरिया एंड बाथ एरिया। तो पूरा वाइट उसमें है, तो वाइट की मेंटेनेंस ज़्यादा भी होती है यहाँ पे। ज़्यादातर वॉशरूम्स इस तरह से होते हैं। इंडिया में अगर हम लोग घर बनाते हैं या घर देखते हैं तो हम लोग वाइट्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, बट स्टिल मेंटेनेंस ज़रूरत होती है कि मेंटेन करें आप। तो इस तरह से ये पूरा शावर एरिया रहता है। यहाँ पे ये एक टैप लगा हुआ है और ये सारे कंट्रोल्स हैं गर्म ठंडे पानी के लिए। और यहाँ कुछ शेल्फ बने हुए हैं जिसमें हमारा शैम्पू वैम्पू सब एक्स्ट्रा एमेनिटीज जो है वो रहती है। ये बाथटब है, बाथटब अभी इस कंडीशन में है क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा खोल के रखा हुआ था, क्योंकि अगर इसको बंद करके रख दो, ये बाथटब का कवर रहता है, अगर इसको लगा के रख दो तो अंदर काफ़ी मोल्ड्स लग जाते हैं, तो अंदर भी काफ़ी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। एंड हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते बाथटब, जापनीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं समर्स में भी विंटर्स में भी। यार पानी बहुत वेस्ट होता है इसमें, पानी भर के रखो फिर नहाओ फिर उस पानी को फेंक दो, या किसी चीज़ में भी यूज़ कर लो, तो इतना बड़े टब में पानी भरना आई थिंक इट्स अ वेस्टेज। कभी कभार एंजॉयमेंट के लिए यू कैन यूज़ बाथ टब, बट मुझे नहीं लगता एवरी डे के लिए वर्थ है इतना पानी वेस्ट करना। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल मशीन है, इससे पानी का जो गर्म ठंडे का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा सकते हैं हम। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे मैं इसको कम भी कर सकती हूँ ठंडे पानी के लिए। और ये कुछ कंट्रोल्स हैं, ये वाला बटन है इसका, सेम ऐसे ही मशीन एक हमारे लिविंग रूम में भी अटैच्ड है, तो अगर मैं ये प्रेस करती हूँ तो मेरे जो लिविंग एरिया में बेल बजती है एंड बोलती है कि आपको बाथरूम से कोई बुला रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ बेल। और ये दो जो बटन्स हैं ये बाथटब के लिए है, बाथटब में पानी भरने के लिए ऑटोमेटिक गर्म पानी भर जाता है, एंड गर्म पानी भरने के बाद उसको गर्म रखने के लिए भी, ताकि वो ठंडा ना हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे बटन है। बहुत सारे फंक्शंस हैं, इतने तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि हम इतना यूज़ नहीं करते। दैट्स इट, यही एक मतलब छोटा सा बाथरूम है ये, और आज मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ अभी। तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि किस तरह से बाथरूम यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, क्लेनलीनेस यहाँ पे बाथरूम की जाती है रूटीन्स में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरा बाथरूम आपने देख लिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। एक यहाँ पे स्प्रे आता है, ये एक्चुअली इसमें ना ब्लीच भी मिक्स है स्प्रे में, तो अगर आप सिर्फ ये स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ दें, तो हार्डली लाइक 10 मिनट्स के लिए भी मैक्सिमम अगर छोड़ दें, उसके बाद आप जाके थोड़ा ब्रश से घिस दें, तो अपने आप पानी मार के फिर साफ हो जाता है सब कुछ, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस साथ में एक ये भी जो लिक्विड है ये मुझे यूज़ करना है मेरी वॉशिंग मशीन के लिए। जी हाँ, वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रम होता है उसमें भी काफ़ी सारे क्या बोले
बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए हर दो महीने में इन वॉशिंग मशीन्स को अंदर से क्लीन करने के लिए इस तरह के लिक्विड्स आते हैं। तो आज मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2 मंथ से ऊपर हो गया जो मैंने अपनी वॉशिंग मशीन क्लीन नहीं की अंदर से। तो ये डाल के बस कुछ नहीं करना, वॉशिंग मशीन को ऑन कर देना। तो सबसे पहले मैं अपने बाथरूम में अच्छे से स्प्रे कर दूंगी, जो मैंने आपको ये वाला स्प्रे दिखाया था, दिस इज खाबी हायता। खाबी यानी कि मोल्ड और हायता यानी कि ब्लीच, तो मोल्ड एंड ब्लीच दोनों है इसमें, तो मैं ये स्प्रे करने वाली हूँ। तो अभी मैंने इस पर स्प्रे करके छोड़ दिया है, फ्लोर पे, बाथटब में, शेल्फ एरिया पे, हर जगह पे। तो इसको मैं 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और इससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आती है क्योंकि इसमें ब्लीच है। तो इसको मैं बंद करके छोड़ दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम है। ये कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक सेकंड मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। क्या आपको वो ऊपर वेंटिलेशन का कुछ दिख रहा है? तो ये वेंटिलेशन के लिए है, और भी इसका पर्पज़ है। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अंदर बाथरूम में वेंटिलेशन भी हो सकती है, प्लस गर्म हवा भी आ सकती है। सर्दियों के दिनों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं गर्म हवा के लिए। एंड यूजुअली इसका क्या यूज़ होता है, जो जापान में लोग होते हैं वो कपड़े घर के अंदर सुखाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बारिश बहुत होती है। तो उस केस में कपड़े धोने के बाद कुछ लोग ड्राई भी कर लेते हैं घर में, एंड उसके बाद यहाँ पे एक सिस्टम रहता है कि आप इसको ऑन करें और अंदर मतलब हवा आएगी, ठंडी हवा, गर्म हवा, जैसे भी आप सेट करें। और ये जो यहाँ पे एक पोल सा बना हुआ है, ये पोल आपको जो दिख रहा है, ये पोल पे आप अपने कपड़े हैंगर के उसमें टांग के यहाँ पर टांग दीजिए, तो ऊपर से हवा आती रहेगी एंड कपड़े सूख जाते हैं। तो यूजली जापनीज इसको इसके लिए यूज़ करते हैं, बट हम नहीं करते क्योंकि इससे बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है एंड बिजली का बिल भी आएगा। तो गाइस सेव मनी, बीइंग इंडियंस पैसे बचाने पड़ेंगे, तो हम इसे यूज़ नहीं करते। बारिश वाले दिन ज़्यादातर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, और अगर इमरजेंसी में धोने में पड़ गए तो इट्स ओके, वंस इन अ वाइल चलता है, बट नॉट एवरी डे कि मैं इसका यूज़ करूँ वेंटिलेशन का या एयर ब्लोअर का। तो नहीं, ये मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि पैसे बचाने हैं। ओके, तो चलिए अब मैं अपने बाहर के जो बाथरूम का फ्लोरिंग और जो थोड़ा मैस हो रखा है वो साफ़ करती हूँ। Thank you.
सो मेरा वॉशरूम पूरा साफ हो गया है एंड अभी मैं इसको सुखाने के लिए यहाँ से हाफ एन आवर के लिए ऑन कर दूँगी, तब तक ये सूख जाएगा। सो दैट्स इट गाइज, ये था मेरा बाथरूम क्लीनिंग रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और लाइक करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो आपकी मर्ज़ी। एंड या इसी तरह के छोटे छोटे कुछ ना कुछ ब्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी अपने घर से रिलेटेड, क्योंकि अब मैं एक वर्किंग मॉम टर्न्ड हाउसवाइफ हो गई हूँ तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग गई हैं। तो अगर आपको मेरी लाइफस्टाइल अच्छी लग रही है तो मेरी फैमिली के साथ जुड़ जाइए एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।